भाजपा पार्षद दल ने दुर्ग महापौर से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग की है। वहीं आज बड़ी संख्या में पहुंचे भाजपाई पार्षदों ने महापौर के कक्ष का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। विधानसभा चुनाव के नतीजे आते ही बहुमत में आई भाजपा सरकार के पार्षदों ने मंगलवार को दुर्ग नगर निगम कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। गौरतलब है कि शहर के आधे अधूरे विकास और शहर की जनता को पानी की समस्या से जूझता देख आक्रोशित भाजपा पार्षदों ने हाथों में विरोध की तख्ती लेकर दुर्ग निगम कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और महापौर धीरज बाकलीवाल से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग की। इस दौरान भाजपा पार्षदों ने जमकर नारेबाजी करते हुए अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में पार्षदों ने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार दी। देखिए, दुर्ग शहर में जनता ने सारे जगहों पे उन्हें चुनाव हरा दिया है, महापौर को, उनके सारे मंत्रियों को, और महापौर और मंत्रियों के कर्मों के कारण तो विधायक हारे हैं। इसलिए महापौर जी दुर्ग शहर की जनता की पीड़ा समझ नहीं पा रहे हैं, वो वार्डों में घूमते नहीं, दुर्ग शहर के नागरिक उन्हें पहचानते नहीं। इसलिए नैतिकता के आधार पे महापौर को इस्तीफा दे देना चाहिए, इस विषय की मांग करने हम आए हैं। महापौर केवल प्रथम नागरिक नहीं होता, यहाँ की पानी की समस्या उनकी है, यहाँ के कुत्ते जो लोगों को काट रहे हैं वो उनकी समस्या है, यहाँ अतिक्रमण में जो लोग एक्सीडेंट हो रहे हैं वो उनकी समस्या है, यहाँ लोगों की संपत्तियों पे कब्जा हो रहा है, यहाँ कानून व्यवस्था कहनी है, यहाँ यातायात चल रहा है, इन सब के लिए मैं महापौर को दोषी मानता हूँ। और मैं मानता हूँ कि कृत्यों की सजा दुर्ग शहर ने 48,000 वोटों से कांग्रेस को चुनाव हरा कर दे दी है। इसलिए माननीय महापौर जी को राजनीतिक शुचिता का ध्यान रखते हुए नैतिकता के आधार पर पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी नागरिक पीड़ाओं के लिए विपक्ष की भूमिका में है, लगातार लड़ती रहेगी और महापौर को चैन से नहीं बैठने देगी जब तक वो ईमानदारी से अपना काम करना प्रारंभ नहीं करेंगे। आज 4 साल हो गए हैं महापौर जी को हमने बोला है, कंटिन्यू हम लोग ने उनको बोलते आए हुए कि आप सुचारू रूप से काम करें। पानी के लिए मेरे वार्ड में क्या पूरा शहर त्राही त्राही मच गया है। आज वार्ड नंबर 10, 11, 12, 13 ये ऐसा स्लम एरिया, यहाँ पानी के लिए लोग परेशान है। वहाँ पानी टंकी बना दिए, सिर्फ दिखावे का रूप है वो, आज तक पानी टंकी चालू नहीं किए। इवन वहाँ के लोगों को कनेक्शन तक नहीं मिला गया है और कनेक्शन के लिए बोला जाता है मंत्री जी को, माननीय कोहले जी को, तो वो बोलते हैं कि अभी कोई पैसा नहीं आया है, पैसा नहीं आया है तो मैं कैसे टंकी चालू करूँ और कैसे कनेक्शन दूँ। मैं मंत्री महोदय से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी अमृत मिशन का टंकी चालू करें। हमारे माननीय मोदी जी ने 153 करोड़ रुपए उनको दिया है, वो पैसा पूरे बकार गए वो, और मेरे वार्ड को पानी के लिए परेशान कर रहे हैं, त्राही त्राही हो गए लोग, गुंडी मटका लेकर के गली गली भटक रहे हैं पानी के लिए। आज माननीय कोहले जी को मैं यह निगम सचिव क्यों नहीं है इस बात चुनौती देता हूँ, या तो वो 2 दिन में मेरे वार्ड की 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर की टंकी चालू करे और कनेक्शन दे, कार्य प्रारंभ करे, नहीं तो मैं पूरे निगम का घेराव करूंगा मेरे वार्डवासियों के साथ में। मैं विधायक और महापौर जो दोनों कांग्रेस पार्टी के थे और अभी वर्तमान में 1 महीने पूरे चुनाव हुआ, इस चुनाव में यहाँ की जनता ने जिस प्रकार से कांग्रेस को नकारा है, यही 60 वार्ड की जनता, यही 60 वार्ड के पार्षद जिसमें 40 वार्ड के पार्षद लगभग कांग्रेस के हैं, आज जनता ने 48,000 वोटों से माननीय अरुण वोरा जी को हराया है। हम नैतिकता के आधार पर और उनके भ्रष्टाचारी के आधार पर और विकास नहीं करने के कारण आज महापौर का इस्तीफा हम भाजपा पार्षद दल के सभी पार्षद आज मांग करने आए हैं कि आपने विकास नहीं किया, सिर्फ आपने भ्रष्टाचारी किया और नगर निगम में भ्रष्टाचार का जो आपने रूपरेखा तैयार किया उसके उसके लिए हम आपसे इस्तीफा मांगते हैं। इसलिए आज भाजपा पार्षद दल महापौर से इस्तीफा मांगने दुर्ग नगर निगम आए हैं। लगातार हम विपक्ष में रहते हुए लगातार इनकी कार्यशैली को देख रहे हैं, पूरी जनता त्रस्त है, रोड नाली गली पूरा परेशान है और अब तो जनता ने इनको नकार दिया है और ऐसा नकारा है कि ये मुंह दिखाने के लायक नहीं है, उसके बाद भी ये इस्तीफा नहीं दे रहे, ये तो बहुत शर्म की बात है। महापौर के वार्ड से ही पूरे का कांग्रेस पार्टी हारी है, इवन विधायक महोदय, पूर्व विधायक महोदय के वार्ड से हारी है, ये तो बहुत शर्म की बात है। इनका पूरा घोटाला, कर्मचारी चयन में घोटाला, नाली में घोटाला, हर टेंडर में घोटाला, रोड में घोटाला, इनके घोटाले खोला जाए तो जितने वोट से हारेंगे उससे ज्यादा इनका घोटाला है,
तो पूरी जनता परेशान है। हम चाहते हैं कि नैतिकता के आधार पर महापौर जी तुरंत इस्तीफा दे, जिससे लोगों को राहत महसूस हो और लोग कम से कम एक विकास तो हो शहर में, एक विकास की गाथा तो चले, उनके रहते तो कभी विकास नहीं हो सकता। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।